Welcome to my channel Kavya's World. So today me Kavya have brought you all a new video. मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल नई वीडियो लेके आई हूँ. जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ रूम्स की मतलब घर की सीरीज स्टार्ट की थी, हाउस सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने आपको रूम्स बताए थे. तो मैंने अभी तक आपको लिविंग रूम और डाइनिंग रूम बता दिया है. अब मैं आपको बताऊंगी बाथरूम के बारे में. बाथरूम में बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कमोड, बाथटब एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं. वी हैव वॉश बेसिन एंड मैनी थिंग्स. तो होप आप ये देखें कि हमारे इसमें क्या क्या होता है. मैं आपको पिक्चर्स के थ्रू समझाऊंगी, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के थ्रू मैं आपको ये समझाऊंगी कि इसमें क्या क्या होता है. एंड होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे. तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. तो चलिए, हमारा बाथरूम जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. तो हम सबसे पहले ऊपर की साइड से चलते हैं. तो ये है शावर. तो शावर को हम हिंदी में बोलते हैं फव्वारा. हम कह सकते हैं बट एक्चुअल मीनिंग वो नहीं होगा. विंडो, विंडो मतलब खिड़की. कर्टेन, कर्टेन मतलब पर्दा. अब यहाँ पे एक अलमारी है एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं. जैसे कि पहला यहाँ पे एक पिक्चर हमें यहाँ पे दी गई है और ये लिखा है शैम्पू. शैम्पू क्या होता है, जिसे हम अपने बाल धोते हैं वो होता है शैम्पू. यहाँ एक पॉइंट हो रहा है जो कि एक टूथपेस्ट लग रहा है और यहाँ पे टूथपेस्ट भी लिखा है. तो टूथपेस्ट मतलब दांत मंजन हिंदी में कहें तो. देन टूथ ब्रश. तो ये टूथपेस्ट को हम दांत मंजन नहीं दंत मंजन कहते हैं. टूथ ब्रश को हम कहते हैं, हम दातुन कह सकते हैं टूथब्रश को हिंदी में. हेयर ब्रश, हेयर ब्रश मतलब हेयर मतलब बाल और ब्रश मतलब कंघा. तो बालों का कंघा. टावल, टावल मतलब तौलिया. लैम्प, लैम्प मैंने आपको पहले भी बता रखा है. लैम्प मतलब कि एक लालटेन टाइप कह सकते हैं. हेयर ऑयल, हेयर मतलब बाल और ऑयल मतलब तेल. तो बालों का तेल हेयर ऑयल. टैप, टैप मतलब नल. टैप मतलब नल. फ्लश, फ्लश फ्लश मतलब कि. तो फ्लश एक वो है जिससे हम कमोड को साफ कर देते हैं. नीचे की साइड चलते हैं. कमोड, कमोड मतलब ये जो सीट होती है दैट इज कॉल्ड कमोड. बाथ टब, बाथ मतलब नहाना और टब मतलब एक बड़ा सा यू नो जिसमें हम नहा सकते हैं. तो उसको हम कहते हैं बाथ टब, नहाने की एक बड़ी सी बाल्टी कह सकते हैं. सोप, सोप मतलब साबुन. बकेट, बकेट मतलब बाल्टी. बकेट मतलब बाल्टी, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बकेट है. सो इसका मतलब है बाल्टी. टब, टब मतलब एक बड़ा सा टब, मतलब टब को हम हिंदी में टब ही कहते हैं. एक गहरी बाल्टी भी कह सकते हैं हम इसे, एक गहरी सी बाल्टी या फिर चौड़ी सी बाल्टी. यहाँ पे है एक वॉश बेसिन. वॉश बेसिन क्या होता है, जहाँ पे हम अपने हाथ वगैरह धोते हैं. एंड उसके ऊपर है एक मिरर. मिरर मतलब शीशा या दर्पण. तो ये सब होता है हमारे बाथरूम में. हमारा बाथरूम काफ़ी बड़ा होता है और इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे बाथरूम को सुंदर बनाती हैं.
तो मैंने आपको बताया हमारे बाथरूम में क्या क्या होता है, तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।